क्या आपको भी सूट के ऊपर ज्वाइंटेड लेस लगाने की दिक्कत आती है? वैसे तो हम इसे जाली वाली लेस भी बोलते हैं। एक तो हम इस वीडियो में दो तरह से जाली वाली लेस को लगाना सीखेंगे, और कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि वो इस तरह की लेस सूट की कलियों में लगाना तो चाहते हैं और नीचे वाली साइड में कुछ दिखे भी ना। तो उसको कवर करने के लिए मैं आज इसी वीडियो में तीन तरीके भी बताऊंगी। सबसे पहले आप इस लेस को लगाना सीख लीजिए। हमने एक रफ कपड़ा लिया, बस आपको लगाकर दिखा रहे हैं। फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से हम कट करने वाले हैं, जिसके बीच में हम लेस को लगाएंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कुर्ती में जहां पे आप इस लेस को लगाने वाले हो वहां पे आप इंटरलॉक भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे कट किया है, तो इसकी दोनों साइड आप इंटरलॉक भी कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है तो आप इस तरह से पहले किनारी को फोल्ड कर ले, बारीक सी किनारी को आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसे फोल्डिंग करने के बाद इसकी सीधी वाले साइड में आपको लेस को अटैच करना है। तो ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, ये हमने लेस ली है। इसकी उल्टी वाली साइड को रखना है सीधे फैब्रिक के ऊपर, और हमने मार्जिन कितना रखा है, एक एक पैर का, एक एक पैर की दूरी के ऊपर आपको लेस को रखना है और किनारी के ऊपर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आपको इसको फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इसी के साथ हमारी एक साइड में लेस अटैच हो जाएगी बहुत ही आराम से। बिना इंटरलॉक किए आपने इसे अटैच कर दिया है इस तरह से। ये तो हमारा हो गया है पहला तरीका, और दूसरा तरीका इससे भी अच्छा रहने वाला है। ये हमारी दूसरी वाली साइड है, इस फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे और जहां पे हमने लेस लगाई है उस फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे। साइड में हमने मार्जिन छोड़ते हुए एक बारीक पट्टी की तरह लेस के ऊपर इसको फोल्ड करना है। आप देख ही सकते हो फोल्डिंग हमने एक एक पैर की रखी है, और जहाँ पे हमने फोल्डिंग को उठाकर रखा है वो हमने लेस की किनारी के ऊपर रखकर स्टिच कर देना है। इससे भी हमारी लेस दूसरे फैब्रिक के साथ अटैच हो जाती है बिना इंटरलॉक के साथ। अब यहाँ पे भी हम इसे खोलकर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये तो हमारे हो गए हैं दो तरीके इस लेस को लगाने के बिना इंटरलॉक वाली मशीन के साथ। तीसरा तरीका तो इंटरलॉक वाला ही है, दोनों साइड में आप इंटरलॉक भी कर सकते हो। सबसे आसान तो वही है अगर आपके पास इंटरलॉक वाली मशीन है, नहीं है तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अब हमें क्या सीखना है कि इस वाली लेस को हमें लगाना भी है और नीचे वाली साइड भी ना शो हो, तो आप उसे किस तरह से लगा सकते हो। जैसे कि हम कुर्ती की कलियों में लगाने वाले हैं, उसके लिए आपको एक सीधी साइड में हम लेस को लगाना बताएंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हम लेस को पहले सिंपल अटैच करेंगे इसके ऊपर ही रखकर। और अगर आप कुर्ती की कलियों में लगाना चाहते हो तो पहले आप कलियों को कट नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही लाइन को ड्रॉ करना है जहां पे आप कट करने वाले हो। इस तरह से लेस को रखना है उस लाइन के ऊपर, साइड में आपको किनारी के ऊपर स्टिच करना है, जैसे कि आप सिंपल कोई भी लेस को अटैच करते हो दोनों साइड से किनारी की सिलाई लगाते हुए। और अगर आपने कुर्ती के कलियों के बीच में इस तरह की लेस लगाने के लिए कट लगा लिया है, तो आप चाहते हो कि इसके नीचे भी कुछ भी शो ना हो, तो आपको एक और तरीका मैं बताऊंगी, वो इसके बाद बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उस दूसरे तरीके को सीखने के लिए पहले आपको इस तरीके को अच्छी तरह से सीखना होगा। लेस हमारी अटैच हो चुकी है उल्टी वाली साइड में, इस तरह से हम फोल्डिंग करेंगे। बारीक सी हमने फोल्डिंग कर ली है, जो सिलाई हमने पहले लगाई हुई है लेस को अटैच करते समय उसी सिलाई के ऊपर आपको दोबारा से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो एक साइड तो हमारी स्टिच हो चुकी है, ये देखिए अब यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि कुर्ती की कलियों के ऊपर ही लगती है, आप कुर्ती के दामन के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर इस तरह लेस लगा सकते हो बिना कट किए। तो टॉप स्टिच लगाने के बाद इसकी दूसरी वाली साइड में भी हम इसी तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। फोल्डिंग करनी है, फोल्डिंग करने के बाद जो सिलाई पहले आई हुई है लेस अटैच करने वाली उसी के ऊपर आपको स्टिच करना है। यहाँ पे इस तरह से खोलकर आपको दोबारा से टॉप स्टिच लगा लेनी है, जिससे कि आपकी दोनों साइड में अच्छी तरह से लेस अटैच हो जाएगी और आपने इस कपड़े को बिना कट किए लगा लिया है। तो चलिए, एक तो आपने इस वीडियो में इस लेस को दो तरीकों से लगाना सीख लिया है, और दूसरा आपने क्या सीखा है कि इस लेस को बिना कपड़े को कट किए कैसे लगाना है वो भी आपने सीख लिया है। और इसके बाद आपको लास्ट पॉइंट ये बताने वाली हूँ, अगर आपकी इस तरह की लेस लगाने के लिए आपने कुर्ती के बीच में कट लगा लिया है और लेस भी अगर आपकी अटैच हो चुकी है, तो आप किस तरह से इसे हैंडल कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप कुर्ती के नीचे लाइनिंग लगा सकते हो। अगर लाइनिंग नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को कट करें, कट करने के बाद इस लेस के नीचे रखना है इस तरह से,
और जो आपने टॉप स्टिच लगाई है उसी सिलाई के ऊपर आपको दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। एक साइड सिलाई लगा लेंगे और फिर इसके बाद दूसरी साइड में सिलाई लगा लेंगे। इससे आपकी दोनों साइड में जो नीचे पट्टी रखी है एक्स्ट्रा वो अटैच हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी कुर्ती पतली है तो आप उसके नीचे अस्तर भी लगा सकते हो, तो भी इस लेस के नीचे कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर लाइनिंग लगाने से आपकी कुर्ती मोटी हो जाएगी तो आप इस तरह से पट्टी अटैच कर सकते हो। ये तीन तरीके हो गए हैं, एक लाइनिंग वाला, एक एक्स्ट्रा पट्टी वाला और एक बिना कट किए वाला। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी होगी। और इस वीडियो के शुरू में आपको इस लेस को दो तरीकों से लगाना बताया है और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी अलग से वीडियो मैंने बनाई हुई है, इस लेस को तीन तरीकों से किस तरह से अटैच करते हैं। अगर आप वो भी देख लो तो आपके वो भी काम में आएगी। मगर इस वीडियो को पहले लाइक कर दें और इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके तीन तरह से इस लेस को लगाना सीख सकते हो।